अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, बेशतर इलाकों में गंदम काश्त हो चुकी है, कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग काश्त भी कर रहे हैं। ये गंदम काश्त करनी चाहिए, जो काश्त हो चुकी है उसकी देखभाल कैसे करनी है? शदीद सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी के मौसम में गंदम का बचाव कैसे करना है? या सर्दी ठीक है, खाद मिल रही है नहीं मिल रही? अगर नहीं मिल रही तो फिर क्या करना है? मिल रही है तो फिर क्या करना है? पानी कैसे लगाना है? अगेती काश को कैसे संभालना है? और जो लेट काश हुई है उस गंदम के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हैं? गंदम ही हमारा आज का मौजू है, इस पर बात करेंगे। मैं पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब, आप डायरेक्टर हैं महकमा ज़रात तोसी में। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर लाल अहमद साहब, आप डायरेक्टर हैं रारी के। रारी जो है वो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बाहौलपुर में, और बड़ा काम है तहकीक पर गंदम के हवाले से भी और दीगर फसलों के हवाले से भी। उनके साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं नवीद अहमद साहब, आप मिसाली काश्तकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शहजाद साहब, पहले तो ये बताएं कि गंदम जो आपका मतलूबा हदफ था, आपने जो तय किया था, उस हदफ को हमने हासिल कर लिया, उतनी काश्त हो गई या पीछे रह गए अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल हमने हमारे यहाँ 18,23,000 एकड़ पे गंदम काश्त हुई थी मुल्तान डिवीजन में। इस दफ़ा हमारे यहाँ 18,40,000 एकड़ पे गंदम काश्त। अच्छा, माशाल्लाह, और इजाफा है, काफ़ी इजाफा जी पिछले साल से। ठीक है, हदफ भी यही था या हदफ इससे ज़्यादा? नहीं, हदफ इससे ज़्यादा था। अच्छा, हदफ इससे ज़्यादा था, पिछले साल भी ऐसे ही था। पिछले साल भी हम 18,23,000 एकड़ तक काश्त कर सके थे, और हमारे मैक्सिमम जितनी हमें लोगों को अवेयरनेस दी, और इस साल उससे भी हम कुछ आगे गए हैं, और उम्मीद करते हैं पिछले साल जिन तो बड़ी भरपूर काश्त होनी चाहिए थी, जो गंदम की मार्केट में सूरत हाल नज़र आ रही थी, और जो निर्ख रेट जो है गंदम का रेट वो भी अच्छा था। जी जी, हाँ, क्या वजह क्या बनी कि भी हदफ नहीं? नहीं, कोई हदफ समटाइम्स देखें कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, लेकिन हम अगर हम तो इसको कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के साथ ही, कि हम पिछले साल से पॉजिटिव हैं। ठीक, मतलब ये कि हदफ आप ज़्यादा रखते हैं ताकि उस तक पहुंचा जाए, मंजिल जो है वो बड़ी रखी जाए। जी जी, टारगेट्स जो है ना वो अगर ज़्यादा हो तो। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि अब हमारे इस इलाके में, इर्द गिर्द के इलाकों में, हम बालाई पंजाब को छोड़ देते हैं, यहाँ गंदम जितनी काश्त होनी है हो चुकी है या अभी भी लोग काश्त कर रहे हैं? नहीं, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। कहीं कहीं इतला है कोई बालाई इलाकों में भी कहीं काश्त हो रही है, तो अब काश्त करनी चाहिए गंदम या? बालाई इलाकों में तो हमसे भी पहले हो जाती है, बरानी इलाके में कुछ तो ऐसे इतलात आती हैं कि जी अभी गंदम काश्त हो रही है। अगर किसी जिमीदार ने काश्त करनी है तो उसको हम रोक तो नहीं सकते। अगर किसी की ख्वाहिश है कि मैं, अगर मतलब गन्ने का उसका फील्ड खाली हुआ है, ठीक है, तो गन्ना उसने लेट हार्वेस्ट किया तो उसके ऊपर वो चाहता है कि मैं गंदम काश्त कर लूँ, ठीक है, तो उसमें कोई मजाक तो नहीं है। लेकिन ये टाइम नहीं है अब गंदम काश्त करने का, इसलिए कि जब धुंध पड़नी शुरू हो जाती है तो 10-15 दिन तो उसको जर्मिनेशन में लग जाते हैं, और फिर सीड जो है वो ज़मीन से निकलने का टाइम है। ठीक है, नवंबर में अगर काश्त करते हैं तो 3-4 दिन में सीड बाहर निकल आता है, जब गंदम नज़र आनी शुरू हो जाती है। दिसंबर में जब पहले 10 तारीख से पहले पहले हम करते हैं, तो वो हम कहते हैं कि उसकी सीड रेट बढ़ा दिया जाए, यानी 60 किलो तक सीड उसमें डाला जाए, इसलिए बढ़ा दें ताकि पौधे ज़्यादा बढ़ जाएं, इसलिए कि जर्मिनेशन टाइम ज़्यादा लगता है उसको उगने में, फिर उसका बूटा नहीं, उसको टाइम नहीं मिलता, ठीक है, कि आगे वो जाके उसकी टिलरिंग हो सके, बूटा मारे जिसको कहते हैं गंदम, तो उसके अपने मसाइल हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब बाहौलपुर में क्या हालात हैं गंदम के? बाहौलपुर में जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% ही काश्त हो चुकी है। काश्त हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ ज़रा पहले हो जाती है, चूँकि मौसम भी ज़रा ठीक है, अर्ली कॉटन भी इस दफ़ा इतनी अच्छी नहीं हुई, तो उसकी वजह ज़मीन फारिग हो गई, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्ली काश्त हुई है, उससे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पैदावार भी ठीक है, अच्छी आएगी। अभी जैसे शहजाद साहब ने कहा कि भाई कुछ लोग जो है वो गन्ने की फसल ताखीर का शिकार हो गई ना जी, कुछ अगर वहाँ कुछ ताखीर हुई है और कुछ लोग अभी भी गंदम उगाने के चक्कर में सोच रहे हैं, तो रारी क्या कहता है कि गंदम उगाएँ या अब ये माशी तौर पर मुनासिब नहीं है, नुकसान ज़्यादा होगा ना उगाएँ? देखें, जैसे शहजाद साहब ने भी इंडिकेट किया कि हम कहते हैं कि 20 या 25 नवंबर के बाद जो काश्त होती है ना, तो पर डे के हिसाब से 15-16 किलो फी एकड़ कमी हो जाती है पैदावार में, ठीक है, आप अगर उन दिनों की तादाद कैलकुलेट करके ज़रब दे तो काफ़ी सारा नुकसान पहले ही हो गया है, और इस वक्त जो काश्त करेंगे, जैसे जर्मिनेशन लेट होगी, पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी,
कम से कम 12-13 लाख पौधे पर एकड़ होने चाहिए। ठीक है, तो हर तरह से काश्तकार को नुकसान है। नुकसान है। दूसरा ये कि इस वक्त काश्त की हुई जो गंदम है उस पर बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब मार्च में पकने का वक्त आएगा तो इसका दाना अभी बना नहीं होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो उससे भी पैदावार मुतासर होने का इस वक्त खतरा बिल्कुल वायबल नहीं है। जो सोच रहे हैं वो इस तरफ ना जाएं, कोशिश करें कि ना करें। नबी साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सुना है आप गंदम की पैदावार भी बड़ी अच्छी लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपके पास वो फार्मूला होगा कि जो लोग गन्ने की फसल उन्होंने देर से उठाई है और ज़मीनें अब फारिग हुई हैं, वो गंदम ना काश्त करें क्योंकि मुनासिब वक्त नहीं है, तो फिर वो क्या काश्त करें आपकी नज़र में? देखिए, इस वक्त जनूबी पंजाब में हम बैठे हैं, जनूबी पंजाब में इस वक्त बेस्ट ऑप्शन सनफ्लावर की है। वो सूरजमुखी को लगा लें, उसका वक्त आइडियल है, उसको अगले जनवरी में उसका पूरा पीक टाइम चल रहा है, उसकी भी कीमत मार्केट में अच्छी मिलनी है, मौसम भी आगे जो फोरकास्ट है वो भी ठंडे मौसम की पेशीन को इंशाल्लाह इस दफ़ा तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। गंदम का ख़र्चा बढ़ जाएगा, पैदावार कम आएगी, लॉजिंग के मसाइल बहुत से, मेरे अपने मतलब एक ही मुरब्बे में जो मेरे नेबरिंग फार्मर हैं, अभी तो 3 दिन पहले मैं देख रहा था कि उन्होंने भी गंदम का छट्टा कर दिया, गन्ना काट के फौरन उन्होंने गंदम लगा दी। तो वो वजह वही है कि उनको जो कीमत अच्छी है ना उस पर वो सोच रहे हैं कि ये हमें कुछ ना कुछ दे जाएगी, इसी लिहाज से वो लोग लगा रहे हैं। मुतबादिल फसल जो है सूरजमुखी बेहतर अच्छी फसल है, उस तरफ चले जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, गंदम की हम जो सारे पहलू हैं उस पर बात करेंगे कि जी इसको हम कैसे इस वक्त जो है वो बेहतर कर सकते हैं, पैदावार अच्छी हासिल करने के लिए क्या टोटके हैं जिनको हम अप्लाई करें, उसे हम अपनी फसल को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या एक जज़वी सवाल है कि क्या ये जो मुतबादल फसलें हैं, राया है, सूरजमुखी है या दीगर फसलें हैं, सब्जियों की काश्त है, वो कहीं गंदम की जगह तो नहीं लेती जा रही कि हम अपने अहदाफ भी हासिल नहीं कर पा रहे और फिर गंदम में लोगों को मुश्किल का भी सामना है और खादों का भी इशू है, तो कहीं वो मुतबादल फसलें तो नहीं आ रही जिसकी वजह से गंदम पीछे जा रही है? देखिए, ये ज़िम्मेदार एक अपने लैंड के ऊपर बिजनेस कर रहा है, उस वो प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है। ठीक है, फिर उसने क्रॉपिंग स्कीम देखनी होती है कि मैंने इस क्रॉप के बाद कौन सी क्रॉप लगानी है। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ज़िम्मेदार जो है ना फैसला करता है, अपना फैसला करता है कि ठीक है कौन सी क्रॉप लगानी है। मैं नहीं समझता कि गंदम की फसल रिप्लेस हो रही है, इसलिए कि हम पिछले साल से तो हम ज़्यादा गंदम उगाए बैठे हैं। ठीक है, ठीक है ना जी। अगर इसकी कोई अप्रीहेंशन होती कि जी पिछले साल से कम गंदम लगी है, फिर हम इस बारे में सोच विचार करते कि जी गंदम को दूसरी फसलें रिप्लेस कर रही हैं। डेफिनेटली अगर ऐसा कोई गंदम प्रॉफिटेबल नहीं होती तो ज़िम्मेदार देखता है कि कौन सी फसल प्रॉफिटेबल है, उसके ऊपर वो चला जाएगा। फिलहाल तो गंदम जो है हमारे ज़िम्मेदार के लिए प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल और उसका परेशानी भी है ना जी, खुराक की भी है। हाँ जी, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि चूंकि हम सिर्फ रोटी के ऊपर आ गए हैं और गंदम की रोटी के ऊपर आ गए हैं। जी, ये बड़ा, ये उससे भी ज़्यादा बदकिस्मती वाली बात जी। देखें ना, ट्रेडिशनली मकई की रोटी खत्म हो गई, बाजरे की रोटी खत्म हो गई, चावल थोड़ा पीछे चला गया, महंगा हो गया, पीछे चला गया, हमारी डाइट का हिस्सा नहीं था। कम वक्त एक था कि लोग चावल बहुत खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, अब तो हम सिर्फ गंदम की रोटी खाते हैं। ठीक है, और गंदम की रोटी खाने के लिए फिर हमें उतनी गंदम उगानी पड़ती है। अच्छा, अब वो काश्तकार ना सिर्फ अपने लिए उगाता है बल्कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वहाँ पर इलाके में जो काम कर रहे होते हैं उनकी भी गजाई ज़रूरियात है ना जी, वो भी जी वो ये एक ऐसा देखे एक इकोनॉमिक सर्कल है। गंदम की जो हार्वेस्टिंग शुरू होती है या गंदम की एक बिजाई शुरू हो गई, फिर उसके हार्वेस्टिंग के ऊपर आमतौर पर लेबर शहरों में भी शॉर्ट हो जाती है, कोई चला गया गंदम काटने के लिए, कोई थ्रेशिंग के लिए चला गया, तो कोई गंदम के खोशे इकट्ठे कर रहा है और उसको क्या कहते हैं भरियां बुशल्स बना रहा है, रोजगार जी, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है। और पूरा अप्रैल का महीना मार्च के एंड से शुरू होकर अप्रैल के एंड तक ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिस दौरान हर बंदा कोशिश करता है को अपने घर के दाने जो फूड सिक्योरिटी भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट घर के दाने बना ले, जो जिन लोगों को शहरों में मजदूरी मिल रही थी वो भी मजदूरी छोड़ के साल के दाने बनाने के लिए वो अपने बाई इलाकों में चले जाते हैं ताकि वो साल की गंदम जो है इकट्ठी करके घर में रख लें ताकि उनको बाद में कोई परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब, आप पुराने आदमी हैं, उम्र के हिसाब से ना हो लेकिन चले चेहरे मोरे के हिसाब से पुराने आदमी लगते हैं, तो ये जो रिवायत है कि जी अपनी गंदम घर के दाने सिक्योर करने, ठीक है ना जी, ये अब ये जो कैफियत पैदा हुई है परेशानी वाली, इसमें बड़ी है या शुरू से ऐसे चली आ रही?
गंदम की बात करें तो ये तो शुरू से है। अच्छा, रवायत रही है हमेशा कि अपने छोटे थे तो उस वक्त भी हम यही देखते थे, ठीक है, कि हमारे बाबूजदाद भी गंदम के मौसम में गंदम काटने पर लग जाते थे, और घर की खवातीन जो हैं वो जो पीछे बच्चे खोशे जैसे साफर साहब ने कहा वो इकट्ठे करके घर लाती थी, छोटे बड़े सब उसी में लगे होते थे। तो जैसे इन्होंने कहा कि रोटी चूंकि हमारी गंदम की रोटी ज़रूरत बन गई है, तो इसलिए ये अब भी उसी तरह ही ट्रू है जैसे उस ज़माने में था, ठीक है। तो ये ज़रूरत है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, और जिस तरह कहते ना अपनी जुबान जिस दे घर दाने उदे कमले, तो इसलिए हर आदमी कोशिश करता है कि मैं इस मौसम में, ठीक है, गंदम ज़रूर अपने घर में जमा करें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है रीजनल इंस्टीट्यूट वो किस किस शोबे में तहकीक कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है ये कहने में कि हमारा इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा तो वीट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आज तक हम 16 वेराइटीज़ गंदम की मुतारफ़ करवा चुके हैं, ठीक है, जिनमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ भी आजकल जो फी ज़माना राइज हैं, हाँ आजकल जो हैं उनमें आस है, अच्छा, गोल्ड है, जौहर है, गाजी है, नवाब और सादिक। ये आपकी जो तजर्बाती मराहल हैं उसमें आपने मैक्सिमम क्या प्रोडक्शन ली है? ये जो हमारी वैरायटीज़ हैं ना जी, इनका 65, 68, 70 मन, 72 मन तक पोटेंशल है। अच्छा, और ख़ास तौर पर जो ये जो हमने पिछले साल नवाब 21 के नाम से एक वैरायटी दी है, ठीक है, वो ऐसे समझें कि गंदम के मैदान में एक इनकलाब है, ठीक है, क्योंकि जैसे ये रोटी हमारी गिज़ा है तो न्यूट्रिशन की कमी आपको पता है कि हर बंदा फेस कर रहा है, तो इसमें हमने ये एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है कि उसमें जिंक की मकदार बाकी तमाम वैरायटीज़ की नस्बत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अकबर इस वक्त बड़ी पॉपुलर वैरायटी है, उसमें 36 PPM जिंक है, ठीक है, जबकि हमारी इस वैरायटी में 39 PPM जिंक है, और इसके बाद भी हमारी 2-3 लाइनें टेस्टिंग के मराहल में इंशाल्लाह उनमें इससे भी ज़्यादा जिंक है। तो मुझे फ़ख्र है कि हमारा इदारा इस खुराक और फिर न्यूट्रिशन की कमी को भी, हाँ, दोनों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक ले लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गंदम पर, गंदम इस वक्त किस मरहले पर है और हमने क्या करना है। डॉक्टर साहब अभी जिक्र हो रहा था कि आपकी वैरायटीज़ में 70-72 मन का पोटेंशियल है और अच्छी पैदावार दे रही हैं, और आप इन वैरायटीज़ को इनकलाबी भी कह रहे हैं। एक इस पे पहलू जो है न्यूट्रिशन का है, जो आपने कहा कि उसमें हम जिंक ऐड कर रहे हैं और जिंक से जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है, हमारी गज़ाइयत भी जो है वो पूरी हो रही है। एक इसमें पहलू जायके का है, यहाँ से लोग जब बाहर सफ़र करते हैं कहते हैं जी बाहर की गंदम का जायका बड़ा अच्छा होता है, तो आपके जो इंस्टीट्यूट ने जो बीज बनाए हैं उसमें जायके को भी ज़रा मद्देनज़र रखा गया या वो नहीं है? मैंने पहले भी गालिबन एक प्रोग्राम आपके में ये जिक्र किया, अच्छा, था कि गंदम जितनी भी पाकिस्तान में है उसके जायके में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसी है। और बाहर भी हम रहे हैं, बाहर भी हम आटे इस्तेमाल करते रहे, हमें जायके में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। ये हो सकता है लोगों किसी की कोई अट्रैक्शन ऐसी हो, या ये हो सकता है कि कोई वो एडिशनल चीज़ उसमें डालते हों। लोग कहते हैं अमेरिका यूरोप में जाके का जायका सारी दुनिया में एक तरह का ही है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई फर्क, चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वैसे लोग नहीं मानते, ये तस्कीन नहीं करते, वो कहते हैं बड़ा फर्क है, जायके में बड़ा फर्क है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ज़मीनी सा सवाल है, वो ये कि यहाँ बड़ी अफवाह फैली हुई थी काली गंदम जो है वो काश की जा रही है, और उसके बीज भी बेचे गए और लोगों को चक्कर भी दिया गया, हालांकि महकमा ज़राअत कहता रहा, तो इसकी रियलिटी है क्या और इस पर कोई काम शाम हो भी रहा है ऐसा, या ऐसा सिर्फ इल्यूजन है? पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंटल हद तक इस पर काम हमारे साइंसदानों ने शुरू किया है, लेकिन हमारी जो लैब्स हैं फैसलाबाद में उसमें इसकी हमने क्वालिटी टेस्टिंग की है, वो हमारी गंदम से बिल्कुल नीचे है। अच्छा, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हम काली चीज़ को वैसे ही खाने में कम पसंद करते हैं, तो उसका आटा भी काला होगा, रोटी भी काली होगी, तो उसको लाइक भी कोई नहीं करता, और न्यूट्रिशन के लिहाज से भी वो कह रहे हैं जी इसमें चॉकलेट शामिल नहीं, कुछ नहीं है।
वो है, नेचुरल है, लेकिन हमारे यहाँ वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया हुआ है। और जो उसको बेच रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। नवीद साहब, आप तक ही भी शोहरत पहुंची काली गंदम की, और कोई मुतासिर हुए आप? जी, मैंने बल्कि फार्मर्स को काफ़ी हद तक रोका है कि ये, इससे पहले कुछ एक वैरायटी भी थी पहले, चंद साल पहले, वो भी मैंने सोशल मीडिया पर फिर उसको रीराइट किया कि जी देखें एक दफ़ा को MH पता नहीं 92 या कुछ एक वैरायटी थी ऐसी, उस पर भी हमने उस वक्त रिसर्च को कहा और उन्होंने छापे लगाए, वो गंदम भी वो 6 किलो या 8 किलो कुछ इस तरह का वो भी था कि इतना बीज काफ़ी होता है। वो पहले माजी में फार्मर्स ऐसे ले चुके हैं, फिर हमने फीडबैक लिया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो साफ ज़ाहिर काली का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बस एक काला धंधा है, इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। ये जो रिवायती तरीका कार है काश्त का, इसी को अडॉप्ट करना चाहिए। जी जी, देखिए हमारी अपनी गंदम की वरायटी से, बहावलपुर की और जो हमारी फैसलाबाद की, मैं उन वरायटी से खुद 70 मन प्लस यील्ड ले चुका हूँ। अब आपको यील्ड भी मिल जाए और न्यूट्रिशन भी ऐड हो। वाशी प्लाट से ले चुके हैं या ओवरऑल हमारे बहावलपुर की, जिस इदारे से मैं मुंसलिक भी रहा हूँ अभी भी हूँ, उनकी ही वरायटीज़ से, यही गाजी, यही जो हमारे यहाँ बहावलपुर की और फैसलाबाद की, उनसे मैंने कुछ एकड़ में 80 अक्सर प्लॉट्स में मैंने 70 मन तक 2 साल पहले यील्ड ली थी। तो इसमें देखें यील्ड तो आ गई, रिसर्च में इतना पोटेंशियल है, वराइटीज़ में इतना पोटेंशियल इन्होंने दिया हुआ है कि हम ले सकते हैं। बाकी न्यूट्रिशन का है कि काली गंदम में ना मुझे कुछ यील्ड में मार्जिन नज़र आता है, ना ही लैब ने ही हमें रिपोर्ट कर दिया कि जी इसमें न्यूट्रिशन भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बस एक ड्रामा होता है, हमारे कुछ लोग जो है ना वो फार्मर कुछ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि जी इससे हम पैसे कमा लेंगे। लोगों ने तो कुछ यूट्यूब चैनल पर करोड़ के भी फिगर बना दिए कि जी इतने हज़ार का किलो बिकेगा। अब वैसे भी लोग जो है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ शुगर का मर्ज़ आम हो गया डायबिटिस है, उसमें वो कहते हैं कि जी आप गंदम कम से कम इस्तेमाल करें या गंदम ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें जो है ये अलामत असरात कम हों। तो इस वजह से भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि काली गंदम की तरफ आएँ, वो शायद जो है बीमारियों से बचाव का जरिया है। शहजाद साहब, इसमें जो इस वक्त गंदम है, वो एक तो ये हुआ कि फील्ड जल्दी खाली हो गए कपास की वजह से और काफ़ी सारी वक्त से काश्त हो गई, इस वक्त गंदम किस स्टेज पर है और जहाँ अब मौजूद है उसको देख के क्या महसूस हो रहा है कि उसकी अमूमी कैफियत क्या है? गंदम, कल भी मैं फील्ड में रहा हूँ, गंदम हमारी बड़ी अच्छी हालत में खड़ी है। अच्छा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गंदम जो है ना मैक्सिमम 20-25 नवंबर से पहले पहले काश्त हो चुकी है। ठीक है। हमारा जितना एरिया था वो ऑलमोस्ट 90% हमने 25 दिसंबर से पहले पहले काश्त कर लिया था, और पिछली दफ़ा भी हमारी यही सक्सेस थी कि हमारी पंजाब में सबसे ज़्यादा, पंजाब मुल्तान डिवीज़न की पैदावार मुल्तान पंजाब में सबसे ज़्यादा थी, बल्कि मैं तो कहूँगा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थी। अच्छा। और उसकी भी वजह यही थी कि हमने पिछली दफ़ा भी गंदम टाइम पे काश्त करवाई, इस दफ़ा तो शायद उससे भी जल्दी काश्त हो गई ना, पिछली दफ़ा तो कपास बेहतर रही और इस दफ़ा कपास नहीं, गंदम हमारी जो है ना, इवन अगर कपास भी काश्त हुई है ना, कपास के काश्त के बाद भी हमारी गंदम बड़ी टाइम आ गई थी, बड़ी बड़ी मैसिव कंपेन हमने पिछली दफ़ा भी चलाई थी कि गंदम जो है ना 20 नवंबर से पहले काश्त कर ले। प्रोडक्शन पर क्या असर, पैदावार पर क्या असर मरतब होंगे अगर अली पैदावार देखें जी, देखिए हमारी पिछली दफ़ा पैदावार को 37 मन के करीब एवरेज है मुल्तान की, 36,085 मन फी एकड़। ठीक है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बाकी डिवीज़नों को देखें या बाकी ज़िला को देखें तो वहाँ इतनी अच्छी पैदावार नहीं आई। तो इसकी वजह यही थी कि हमने दो बेसिक वजूहत थी कि ज़िम्मेदार को जो हम मैसेज देते हैं वो उसको अडॉप्ट करते हैं प्रॉपरली, ये कि अर्ली गंदम लग जाए, फॉस्फोरस की खाद बजाई के ऊपर इस्तेमाल हो जाए, और पहले पानी के ऊपर यूरिया, अगर किसी ने मिस कर दिया तो पहले पानी के ऊपर फॉस्फोरस की खाद इस्तेमाल कर ले ताकि उसको बेहतर पैदावार हासिल में। गंदम का फॉस्फोरस की खाद से डायरेक्टली कोरिलेशन है कि जब फॉस्फोरस की खाद उसमें इस्तेमाल होगी तो उसके अच्छे पैदावार पे बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। ये बात तो बड़ी अच्छी है और होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन आपने खुद जिक्र छेड़ दिया कि जी खाद की ज़रूरत जो है वो बड़ी अहमियत है उसकी, लेकिन खाद की दस्तियाबी के हवाले से इस वक्त जो है बड़ा इशू है और लोग जो है बहुत सारे लोग रजू कर रहे हैं कि जी खाद दस्तयाब नहीं है, लोग पैसे उठा के फिर रहे हैं और खाद नहीं मिल रही है, मिल रही है। डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त यहाँ बैठ के भी ये बता सकता हूँ कि हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा बैग्स हमारे डीलर शॉप्स के ऊपर, डीलर्स रिटेलर नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल पड़े हुए हैं,
और उसमें से कुछ 46,000 बैग हमारे जो इम्पोर्टेड यूरिया वो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पे खाद की कोई कमी नहीं। ये पैनिक हो गया है या लोगों को पैनिक कर दिया गया है क्या? आपको देखिए ना, इशू हमारे पास तो पहुंच रहा है। मतलब अगर कोई आदमी ये कहता है कि जी ये पैसे लें जी, हमें कहीं से खाद दिलवा दें, अगर कोई बंदा ऐसी कैफियत का शिकार है तो क्या करे? नहीं, ऐसी कोई कैफियत नहीं है। अगर कोई देखिए, मैं आपको कंपेरिजन बता देता हूँ, ठीक है, कि पिछले साल इन दिनों में मुझे फ़ोन से फुर्सत नहीं मिलती थी, हर बंदा खाद मांग रहा होता था, ठीक है। मेरे पिछले 3-4 दिन में कोई एक फ़ोन सिग्नल नहीं आया किसी ने, फार्मर ने मुझे ये कहा हो कि जी मुझे खाद चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि खाद अवेलेबल है तो नहीं ना मांग। अगर किसी को मसला हो तो आपको फ़ोन कर ले। जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, ठीक है। ये हमारे काश्तकार भी सुन रहे होंगे, शहजाद साबिर साहब डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जी अगर आपको कहीं भी मसला दरपेश है तो आप इन्हें बताएं, फ़ोन करें, खाद अवेलेबल है और वाफर मकदार में दस्तियाब है, ठीक है ना जी? आपकी तरफ से मैसेज चला गया। डॉक्टर साहब, ये खाद का इशू तो चले शहजाद साहब ने यहाँ बैठे बैठे रिजॉल्व कर दिया। वैसे मैं अभी रवीद साहब से पूछूंगा, उनका भी कोई तजर्बा होगा ना जी खाद की अवेलेबिलिटी के हवाले से। लेकिन इसमें एक पहलू ये है कि इस वक्त ना मार्केट में यूरिया कोटेड दस्तियाब है, नीम का कोट हुआ हुआ है और कोटेड दस्तियाब है, तो आपकी तहकीक क्या कहती है कि जी काश्तकार को इस तरफ भागना चाहिए भी कोटेड खाद लेनी है या फलां वैरायटी उठानी है, खाद की फलां किस्म लेनी है, या जो भी यूरिया है सारों की अफादियत एक जैसी है? सबकी अफादियत एक जगह एक तरह की तो नहीं कह सकते, ठीक है। बेसिक जो उसके फ़ायदे हैं वो तो एक ही है, लेकिन हमने पिछले साल जिंक कोटेड यूरिया का एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें टिल्डिंग ज़्यादा हुई है उस वैरायटी में, उस जिंक कोटेड यूरिया डालने की वजह से, ठीक है। तो उससे मालूम होता है कि कुछ फ़ायदा तो है उनका, ठीक है। लेकिन काश्तकार को फिर वही पैसे का प्रॉब्लम और उसका मसला हो जाता है। अगर वो अफोर्ड कर सके तो ये डालनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आम यूरिया भी जो दस्तियाब है वो ले ले, उसमें ताखीर ना करें। हाँ, इस चक्कर में ना पड़े कि यही डालेंगे तो बेहतर होगा। सबसे अहम चीज़ है कि उसको टाइम पर डाल दें, ठीक है, उसको लेट ना करें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतनी, क्योंकि हमारी ज़मीनों में वो ताकत नहीं है जो हमारे पिछले ज़मानों में होती थी कि लोग ज़मीनों को खाली छोड़ते थे, उनकी फर्टिलिटी बहाल हो जाती थी। अब तो फर्टिलाइज़र डालेंगे तो पैदावार आएगी, वरना फर्टिलाइज़र के बगैर नहीं होगी। तो इसलिए उसमें कमी कोताही नहीं करनी चाहिए, ना लेट करना चाहिए, ठीक है। आप तक भी वहाँ भावलपुर में भी शिकायत है यूरिया नहीं मिल रही है, सब ठीक है? मैं डायरेक्टली चूँकि डील तो नहीं करता, हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के करते हैं, लेकिन अभी डायरेक्टर साहब वहाँ मौजूद थे सिंधु साहब, तो वो कह रहे थे कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, नहीं मसला। क्यों जी नवीद साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस है सारी सूरत हाल में? पैनिक तो है, लोग कह रहे हैं, अब ये पता नहीं है अमली तौर पर घरों में बैठे हुए कह देते हैं, खेतों में बैठे हुए कह देते हैं, क्या सूरत हाल है क्या? लेकिन असल मसला ये है कि मार्केट में रेट ज़्यादा, कुछ लोगों ने, मैंने खुद भी 2700-2800 में भी परचेज़ किए पिछले 10-15 दिनों में। इस दफ़ा ये था कि पिछले दफ़ा पॉलिसी ये थी कि जी कंट्रोल रेट पर गवर्नमेंट कोशिश की कि दें, वो उल्टा नुकसान हुआ, खाद बिल्कुल ही अपना डीलर ने मंगवाई नहीं, शार्ट हो गई, हम लोग लाइनों में लगे। मतलब जब हम फार्मर में ये होता है कि हम धक्के खा रहे होते हैं या हम फार्मर लाइन में लगे होते हैं, तो फिर अगले साल फिर आवाम भी लाइन में लगी होती है। हम उसका ये एक नेचर है ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है, जब हमें तंग किया जाता है तो हम तो चुप करके बैठ जाते हैं, अगले साल फिर ये हुकूमत और आवाम मलबाउंड पर पड़ जाता है, हुकूमत का किया धरा और पड़ता वहाँ पर ही मलबा है। तो इस साल ये है कि रेट ज़्यादा है, वैसे किसी जगह अब 2600-2650 तक भी मैंने सुना है, लेकिन कंट्रोल रेट जो गवर्नमेंट का अनाउंस रेट है उस पर दस्तियाबी नहीं है, लेकिन फार्मर फिर भी मुतमईन है कि जी चले महंगी है, मिल तो रही है ना। पिछले साल ये हुआ, मैंने काफ़ी फोरम्स पर ये कहा कि 2 साल पहले मेरी ये लच्छी आई, पिछले साल हम भी 50 मन वाले थे, एक वजह मौसम की सख्ती थी फरवरी मार्च में, दूसरी वजह ये थी कि जी जब गंदम की ज़रूरत, मेरी अपनी फसल को जब गंदम को खाद की ज़रूरत थी मुझे उस वक्त नहीं मिली, जब मुझे मिली तब शायद गंदम को ज़रूरत थी या ना थी। रिवर्स ये हुआ कि गंदम की पैदावार मुतासर हुई, अब गंदम पता नहीं गवर्नमेंट 50 लाख टन मंगवा रही है, 40 मंगवा रही है, शार्टेज हुई ना सर पिछले साल, यही हुआ, मौसम प्लस फर्टिलाइज़र दोनों वजह से गंदम के टारगेट काश्त के पूरे हुए लेकिन पैदावार के तो पूरे ना हुए ना। इस दफ़ा अल्लाह करें मौसम अच्छा हो, चलें हम जो 100-200 की है वो हम मार बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये कि अल्लाह करें हम भी इसी
कोशिश में कि फसल अच्छी हो जाए, फसल अच्छी हो जाए। ये बताएं कि ये गंदम के हवाले से ज़ाहिर खाद की अहमियत और अफादियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता, ये तो बड़ी ज़रूरी है और अगर नहीं मिलेगी तो मुश्किल होगी। इसमें एक पहलू ये भी तो है ना कि हमारे काश्तकार बेशतर जो है वो कर्ज पर या उधार पर उठाते हैं सामान ज़राई मुदाखले, तो जब ज़ाहिर है आपने 6 महीने बाद पैसे देने हैं तो उसमें जो फरोख्त करने वाला है उसमें वो भी अमूमन जो है वो एक शोहरत बन जाती है कि जी खाद महंगी दस्तियाब है। क्यों शहजाद साहब, ये भी पहलू तो है ना जी, हमारे बेशतर ज़राई मुदाखले जो है वो उधार पर देते हैं। देखें दरअसल हम हर उस जगह जहाँ हमें कोई कंप्लेंट मिलती है, पिछले ये सिर्फ दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई 21-22 लाख हमने उन लोगों को जुर्माना किया जिन्होंने ओवर प्राइसिंग की, और 17 लोग हमने 17 FIR भी दी जिन लोगों ने ओवर प्राइसिंग की, और उनमें से 4 लोग अरेस्ट भी हुए। होता ये है कि एक बंदे को जब हम जुर्माना करते हैं फिर बार बार वो वायलेशन करता है तो फिर हमें मजबूरन उसके ऊपर कोई FIR या अरेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, एक दफ़ा वार्निंग दी, एक दफ़ा जुर्माना किया, दूसरी दफ़ा फिर उसने वायोलेशन की, फिर उसके ऊपर कोई FIR, फिर अगर तीसरी दफ़ा फिर करता है तो फिर हम मजबूर होते हैं कि उसको कोई सख्त एक्शन लें उसके। ठीक है, कोई ये नहीं है कि 1 टाइम 2 टाइम हम इसके ऊपर एक्शन कर रहे थे, और जहाँ से वायोलेशन होती है हम हाज़र हैं, हम उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन करते हैं। यहीं से बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं जी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम पर बात कर रहे हैं और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो गंदम की फसल की ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो पैनिक ना हों, वाफर मकदार में खाद मौजूद है, और अगर कहीं इशू हो तो आपसे रब्ता करें, अपने डायरेक्ट्रेट से रब्ता करें। हमारे देखें बुखारी साहब, हमारे हर यूनियन काउंसिल लेवल पर नुमाइंदे मौजूद हैं। ठीक है, फील्ड असिस्टेंट मौजूद है, मरकज़ में ज़रात अफसर है, तहसील में असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी डायरेक्टर, डिवीजन में मैं बैठा हूँ, हर लेवल पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। किसी बंदे को भी आप जाके बताएंगे तो उसका एक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा आते हैं हम गंदम की टेक्निकलिटीज़ पे ना, कि गंदम हमने काश्त कर दी, अच्छी है फसल, लेकिन इसको ट्रांसमिट करना है हमने अच्छी पैदावार में। जी बिल्कुल, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचते तो जितनी भी अच्छी है तो बेकार हो जाती है। ठीक है, अब उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीक़ाकार हैं जो अडाप्ट किए जाएँ, ख़ास तौर पर पानी है, खाद का इस्तेमाल है, और फिर मौसम की शिद्दत है, अगर मौसम शदीद हो जाता है, बारिशें हैं, तेज़ हवाएं हैं, इस सारी सूरत हाल को हम जानने की कोशिश करेंगे और आप सारे मेहमानों से आपकी राय लेंगे। पहले आपसे बात करते हैं कि जी अगर इस वक्त अच्छी फसल है तो उसको संभालना कैसे, अगला एक महीना कैसे गुजारना है। जी डॉक्टर साहब, देखें अब तक जो मरहला तय हो गया ना जी, गंदम की बिजाई टाइम पर हो गई, उसकी जर्मिनेशन हो गई। ठीक है, ठीक है ना जी, अब जो पहला पानी लग रहा है उसके पहला पानी मोस्टली लग गया है, और जब पहला पानी लगता है तो हम उसको कहते हैं कि इसके साथ यूरिया खाद ज़रूर डालें। अब धुंध शुरू हो गई है, सर्दी शुरू हो गई है, जब यूरिया खाद डाल देंगे नीचे से ज़मीन को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी, मौसम भी उसके लिए आइडियली गुड है, तो उसकी जो टिलरिंग है, जो बूटा मारना जिसको कहते हैं, उसकी शगूफे जो निकलने हैं वो मैक्सिमम निकलेंगे। ठीक है, अब जब शगूफे मैक्सिमम निकलेंगे तो उसमें गंदम के पौधे में कोई 12 लाख के करीब हमें नंबर ऑफ टिलर्स चाहिए होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बेहतर पैदावार आती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जिसने पानी लगाया है वो पानी के साथ खाद यूरिया की ज़रूर दे दे, और जिसने फास्फोरसी खाद नहीं डाली वो फास्फोरसी खाद ज़रूर डाले। ठीक है, पिछले मराहल ख़त्म हो गए कि ज़मीन लेवल हो गई, बीज कितना लगाना था, जो वो सारा ख़त्म हो गया, अब तो गंदम निकल आई ज़मीन से। ठीक है, अब जब दूसरा पानी लगाना है 80-85 दिन के बाद, उसके साथ भी एक खाद की बोरी डाल दें यूरिया की। ठीक है ना, 2 स्प्लेटर में खाद डालनी ज़रूरी है, और उसके साथ मैं फिर भी ये स्ट्रेस करूंगा कि जिन लोगों ने फास्फोरसी खाद नहीं डाली वो पहले पानी के साथ ज़रूर डाल दें, ताकि बेहतर पैदावार। उसमें बेहतर ऑप्शन क्या है फास्फोरस में? देखिए फास्फोरसी खाद कोई भी डालेंगे तो, हाँ जी कोई भी डालेंगे तो उसका वो उसको पौधे को मिल जाएगी, क्योंकि अभी पौधे ने ग्रो करना शुरू किया है। ठीक है, अभी टिलरिंग स्टेज पे वो आएगा, जब टिलरिंग स्टेज पे जब पानी लग जाएगा फिर उसकी टिलरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अक्सर ये जो मौसम की शिद्दत है वो मतलब शदीद सर्दी है, कोहरा है, ये सपोर्ट करता है गंदम की फसल को या उसके लिए कोई मुज़ाहमत का सबब होता है? तजर्बात यही कहते हैं कि अच्छी फसल के लिए अच्छी खासी सर्दी होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सर्दी नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा तो उससे भी पैदावार मुतासर होती है, मतलब टिका के सर्दी पड़ेगी तो फसल अच्छी होगी, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उससे
जो शबनम आ रही है उससे भी फिजा से नाइट्रोजन आ रही है, ठीक है, तो फसल को भरपूर फायदा होता है उसका ना, ठीक है। और अगर ये कोरा पड़ता है ये भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, ये टॉलरेंट क्रॉप है, ये बर्दाश्त कर लेते हैं, मतलब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे बात ये होता है कि ज़्यादा शिद्दत से पत्ते पीले हो जाते हैं ऊपर ऊपर से, टिप्स जो हैं, ठीक है, तो उससे नहीं घबराना चाहिए। काश्तकारों को कई लोग मिसगाइड करते हैं जाके दवाइयों वाले कि जी बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, ठीक है, हालांकि वो बीमारी नहीं होती। एक वजह शिद्दत मौसम की होती है, दूसरी होती है कि अभी ये पहले पानी के बाद जड़ी बूटियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी हमें वीडिसाइड स्प्रे करने पड़ते हैं, और काश्तकारों को चाहिए कि वो चौड़े पत्ते वाली हैं या तंग पत्ते वाली हैं, नुकीले पत्ते वाली हैं, उनको ज़रूर कंट्रोल करें, चूँकि वो हमारी फसल की काफ़ी सारी खुराक खा जाती हैं और हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है। तो बाद को इन वीडिसाइड के इस्तेमाल से भी उस स्ट्रेस आने की वजह से पत्ते पीले होते हैं या मौसम की शिद्दत की वजह से, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए काश्तकारों, और मिस गाइड भी नहीं होना चाहिए। दवाइयाँ बेचने वाले आ जाते हैं कि जी बीमारी आ गई स्प्रे करें, हालांकि वो इन दो वजूहात की वजह से होते हैं, ठीक है। और उसका सिंपल सा टेस्ट भी है, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि अगर एक पत्ते का छोटा सा टुकड़ा लेकर यूँ अपनी उंगली में रब करें ना, अगर जंग लग जाए या पीला रंग महसूस हो तो बीमारी है, वरना अच्छा, बीमारी नहीं है, ये मौसम के साथ, और ये रिकवरेबल है, ठीक है, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी, जब थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होगा तो ये प्लाट ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा नवीन साहब, एक तो ये हो गया ना कि जी मौसम की शिद्दत सर्दी की सूरत में, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोहरा पड़ रहा है, चलें ये तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी अच्छा हो गया, लेकिन अगर बारिश हो जाती है, शदीद बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है और जिससे फसल लेट जाती है, उससे कोई नुकसान होता है आपको, आप उससे घबराते हैं या वो भी मैनेज हो जाती है? देखिए उसमें ये होता है कि अगर बारिश आंधी हमारे लिए, जो मार्च का महीना है वो काफ़ी संगल साबित होता है हमेशा, हम लोग मार्च में ही आंधी भी चलती है, हवाएं भी चलती हैं, इस दफ़ा भी मौसम की फोरकास्ट जो अब तक आई है वो यही है कि इस दफ़ा शायद मौसम, पिछले साल तो शदीद गर्म रहा था, इस दफ़ा शायद ठंडे मौसम की तवक्को है, बारिशें और हवाएं इस दफ़ा। उसमें ये होता है कि जी प्रिकॉशनरी तौर पर हम अब हर फार्मर को, ये गुज़िश्ता चंद सालों में हर फार्मर को अपडेट होती है कि जी मौसम आगे कैसा आ रहा है, उसमें ये कि पानी की एहतियात की जाए, हम पानी ना लगाएं। कैसे पता लगता है आपको? अब मोबाइल हर किसी के पास है, सुनी सुनाई बातों से, लोगों को अपने मोबाइल से मैसेज, फेसबुक, हर जगह से मौसम की खबर आ जाती है। मैंने आम फार्मर को जिसको मोबाइल इस्तेमाल करना भी नहीं आता ना, वो किसी ना किसी से सुन के, चंद साल पहले हम लोग बता रहे होते थे, अब हमें बताते हैं कि जी आगे बारिश आने वाली है, ये अच्छा। एक टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ, ठीक है, फार्मर को पता होता है जी आगे बारिशें आने वाली हैं, हवाएं हैं, तो एक तो ये कि हल्की हवा भी हो ना तो तब भी गंदम में जब दाना बनने का अमल शुरू होता है, जब आधा दाना या दाना कुछ हद तक भर जाए, वो मार्च का ही महीना होता है गेती और पिछेती के लिए, हल्की सी हवा भी चल पड़े तब भी गंदम गिर जाती है, बारिश प्लस हवा, ये तूफ़ान जो होता है इसमें कोई रेस्क्यू नहीं है, इसमें हम दो साल पहले हम भी 26 मार्च को एक तूफान आया था, पंजाब पूरे की गंदम लेट गई थी, कुदरती रेस्क्यू करे तो करे, बाकी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते नहीं है जी, उसमें हमारा हमारे हाथ खड़े होते हैं, वो अगर हम 26 मार्च को आया था तो वो अगेती वाले बिल्कुल कोई 1-2% भी नुकसान शायद हम कह सकते हैं कि ना हुआ हो, अगर आ जाए फरवरी में ऐसी सूरत हाल तो फिर जो है ना नुकसान होता है, लेकिन उस वक्त अगर थोड़ा सा भी दाना बना हुआ तो गंदम सिकटा खड़ा कर लेती है, उसमें भी बचत हो जाती है, लेकिन अगर मार्च में हो जाए तो उस वक्त नुकसान ज़रूर होता है, दाना नीचे वाला सिट्टे का दाना जो है ना वो मर जाता है, उसमें यील्ड में कमी आ जाती है, ठीक है। ये पेशगोई क्या है इस दफ़ा की पेशगोई है जो सुनी सुनाई आप तक पहुँच रही है जो इतलात है? देखें है? मौसम के एक तो महकमा मौसमियात हमारा PMD पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये भी एडवाइजरी दे रहे होते हैं कुछ लॉन्ग क्या एडवाइजरी आ रही है आप तक जो इतला पहुँच रही है उनकी इस दफ़ा यही है कि जी हमारी महकमा मौसमियात के मोहम्मद हनीफ साहब का भी मैंने फेसबुक पर पेज फॉलो किया हुआ है, उससे 2-4 और भी ग्रुप्स हैं, तो उसमें यह है कि जनवरी एंड से वो मतवक्के बारिशें बता रहे हैं, इस दफ़ा जो लालिना का जो है वो जो पिछले दफ़ा भी हमारे मानसून की बारिशें बनी ये पैटर्न थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि जी चेंज हो रहा है, अब ये होगा कि जनवरी आखिर से मतवक्के बारिशें टिल मई तक वो ये बता रहे हैं कि रमज़ान शरीफ में भी इंक्लूडिंग इस दफ़ा बारिशें हैं, इंशाल्लाह मौसम ठंडा रहेगा, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे अब मैंने भी मतलब नवंबर स्टार्ट तक मैंने गंदम कम लगानी थी, जब ये थोड़ा सा मौसम का सीन बना तो हमने एकड़ेज बढ़ा ली कि ये वाला मौसम सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला गिरने से बचाए गंदम, तो इस मौसम में अगर ऐसा इंशाल्लाह साबित जो होती है मौसम की पेशन कोई सही साबित होती है तो ये मौसम गंदम के लिए आइडियल साबित हो सकता है इंशाल्लाह ताला। ठीक जी। अच्छा शहजाद साहब, ये जो नवीद साहब जिक्र कर रहे हैं बेसिकली क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जो जिनके असरात हम फेस कर रहे हैं,
अभी तो ऐसा लग रहा है कि दिन में पता नहीं लगता कि गर्मी है या सर्दी है, अभी भी कई जगहों पर एयर कंडीशन तक यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल अंदाज़ा नहीं है। तो अगर ये वाकई ऐसा होता है कि आगे शदीद सर्दी आ जाती है, बारिशें भी शदीद होती हैं और आंधियाँ भी आती हैं, तो उसके लिए काश्तकार के लिए कोई रिकमेंडेशन, कोई गाइडलाइन के क्या करे वो ऐसी सूरत हाल में? देखिए डॉक्टर साहब, 15 दिन तक की पेशेंट कोई तो काफ़ी एक्यूरेट होती है, ठीक है। 15 दिन के बाद की जो पेशेंट कोई होती है ना, वो एक प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, तो हम उसको असेसमेंट कह सकते हैं। जैसे हमें हमारे यहाँ पीछे काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो टेम्परेचर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेदर डिपार्टमेंट, मेट डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है कि इस दफ़ा ज़्यादा मार्च अप्रैल में टेम्परेचर राइज नहीं होगा, मौसम ठंडा रहेगा। तो अगर मार्च के महीने में मौसम ठंडा रहता है तो आइडियली हम कहते हैं कि गंदम की बहुत अच्छी पैदावार आती है। अच्छा, दाने का साइज़ प्रॉपर बन जाता है, ठीक है, ठीक है ना, ग्रेन फिलिंग पूरी हो जाती है, ठीक है। उसमें जो टिलर होता है या खोशा होता है, उसमें जो गुंडियाँ होती हैं वो पूरी बन जाती हैं, जो 20 से 22 तक होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। और एक गुंडी में जो है ना 4-5, अगर बहुत अच्छा मौसम है तो 5 दाने भी बन जाते हैं, ठीक है, जो फिर इसको लीड करता है कि क्रॉप जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर मौसम मार्च में ठंडा रहता है, अन एक्सपेक्टेड रेन्स और थंडरस्टॉर्म्स नहीं आते, जो फरवरी में वैसे नॉर्मली हमेशा ही एक अच्छी बारिश आती है और उसके साथ आंधी भी आती है, ठीक है, क्योंकि फरवरी में गंदम की फसल बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए कि टिलर उसका जो उसकी जो बढ़ चुके होते हैं, जी उसका टिलर जो सॉरी जो सिटा होता है वो बहुत ज़्यादा वजनी नहीं होता, ठीक है। तो अगर बारिश इतनी हो जाए कि पानी खड़ा हो जाए तो तब? हाँ जी, नहीं, गंदम को इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, गंदम तो फिर तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर पानी खड़ा हो गया तो उसको निकालें, ठीक है, और कोशिश ये होगी अगर गंदम गिर गई है तो फिर तो पानी बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए, ताकि जो उसका स्टेम है वो गल ना जाए, तो उसकी रॉडनिंग ना हो। नॉर्मली तो 2 साल पहले जब अच्छी बारिशें हुई थी, और लेकिन वो भी फरवरी में हुई थी, मार्च में नहीं हुई थी, तो हमारी पैदावार बहुत अच्छी आ गई थी, इवन के लॉजिंग बहुत हुई थी गंदम की, लेकिन इसके बावजूद हमारी अच्छी पैदावार आ गई थी, ठीक है। ये डॉक्टर साहब, गंदम जो गिर जाती है, बिछ जाती है, ये अमूमन काश्तकार उससे परेशान होता है कि पूरी पूरी फसल बिछ गई है, तो इसको फिर दोबारा पैरों पर खड़ा करने का भी कोई तरीका है, कोई टोटका है, या बस फिर नहीं? इसको कुदरती तौर पर अगर हो जाए तो हो जाए, वरना खड़ा करने का कोई आर्टिफिशियल तरीका कोई नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, अलबत्ता अगर टाइम हो तो मैं दरमियान में एक चीज़ जो बड़ी अहम है बारिशों की प्रेडिक्शन की वजह से भी, कि जनवरी के आखिर से बीमारी आने का ख़तरा होता है, जो रस्ट की बीमारी है या कुंगी की बीमारी कहते हैं, तो अगर वो बीमारी आती है, ठीक है, जनवरी के आखिर से मार्च के शुरू तक इसका चांस होता है, और उसकी कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर 20+ हो के करीब, और ह्यूमिडिटी जो है, नमी का तनासब ये 60-70% तक चला जाए, और बारिशों का मौसम भी हो, तो फिर ये इसके स्पोर चूँकि हवा में होते हैं तो ये ज़मीन पौधे पर आ जाते हैं। अगर वो बीमारी अपीयर होना शुरू हो, काश्तकार को चाहिए कि वो विजिलेंट रहे, ठीक है, ये एकदम ऐसा नहीं होता कि पूरे खेत पर आ जाए, फौरन नहीं आएगी, नहीं, ये एक आध पौधे पर आएगी, 2-4 पौधों पर आएगी, ठीक है, वहाँ ये कलोनी बनाएगी, मल्टीप्लाई करेगी और फिर हवा के ज़रिए फैलेगी, ठीक है। काश्तकार अगर विजिलेंट रहें और उन 2-4 पौधों अगर नज़र आती है ये बीमारी, तो उन पौधों को काट कर किसी शॉपर में डाल कर दबा दें ज़मीन में, अच्छा, या जला दें, ठीक है, क्योंकि ना वो कलोनी बने, ना मल्टीप्लाई हो, ना स्प्रेड करें, ठीक है। स्प्रे की हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब काश्तकार शुरू में ख्याल नहीं करता, और वो जब स्प्रेड हो जाती है तो फिर हमें मजबूरन स्प्रे करना पड़ता है, और ये चूँकि हमारी रोज़ाना की खुराक है, ठीक है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक ने खानी है, ठीक है, और डायरेक्ट कंज्यूम होनी है, तो इसलिए इस पर स्प्रे हत्तुल मकदूर कोशिश जितना बच सकते हैं बचा जाए, और ये तो बड़ा आपने अच्छा नुस्खा बता दिया कि उसको कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मैं हालांकि चाहता था आपसे भी कोई नुस्खा पूछा जाए, लेकिन अगला जब मरला आता है इस पर, कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी का अटैक होता है या गंदम मैच्योरिटी की तरफ जाती है, तो फिर इस पर मज़ीद बात कर लेंगे। नाज़रीन, हमने गंदम में बात की है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पहला पानी है और साथ साथ जो है वो यूरिया की फरहमी है। आप पैनिक ना हो, ये ना सोचें कि यूरिया दस्तियाब नहीं है, अभी हमें आपको बताया कि यूरिया वाफर मकदार में मौजूद है, महकमा ज़रात ने भी आपको बताया
कि जितनी चाहिए उससे ज़्यादा मौजूद है। आप लें, यूरिया ख़रीदें और अपनी खाद जो है वो पूरी करके अपने खेतों में डालें, आपकी फसल अच्छी होगी तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।